Some breaking news coming. The Supreme Court has refused to intervene in the Sai idol issue. The Sai Trust plead, remember, had sought a gag order against Shankaracharya. The Supreme Court says has advised to file a civil suit if right to worship has in fact been hampered. देखिए सुप्रीम कोर्ट के लोगों के नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है और आज वास्तव में धर्म की वास्तव से पुनः स्थापना हुई। उसमें जस्टिस ठाकुर ने स्वयं कहा कि अगर आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का खंडन करता है, तो क्या इसका मतलब आर्य समाज का अस्तित्व नहीं है? और अगर आपको किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत है तो आप जब उसके में नीचे की आपके पास अदालत है, सिविल कोर्ट है, जब वो सब खुले हुए हैं तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट किस लिए आए? सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति की मूलभूत जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसको संविधान ने अधिकार दिए हैं, वो उनकी रक्षा के लिए बना है, ना कि इस तरीके के विवादों को सुलझाने के लिए। और इसमें 15-20 मिनट लगातार बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए उन सवालों का जो है साई ट्रस्ट जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो अंत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप इसको वापस ले लीजिए या इसको खारिज कर दिया जाएगा। और अंततो गत्वा सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन्होंने जो साई ट्रस्ट जिसने याचिका डाली थी उस ये पिटिशन जो है डिसमिस एज विदड्रॉन जो है हुई। और अंत के अंदर हम तो यही कहेंगे क्योंकि ये मामला बनता ही नहीं था किसी भी। Jaskirat Singh Bawa joining us on the phone line with more. Jaskirat, if you can just give us an idea of what exactly happened in court. We understand that the Supreme Court has in fact said to file a civil suit if they feel that the right to worship is being hampered. Well, that's correct. The Supreme Court apparently refused to intervene in this matter only because they felt that the proper procedure of appeals in the Court of Law was not being applied. They did not want to intervene directly. They wanted the petitioner to approach them via the proper channels of appeal, which will begin in the lower court. They asked the petitioner to approach the lower courts in the form of a civil appeal. And if the petitioner does not feel that he is or his needs are satisfied in terms of the demand or for the protection of his right to religious practice, then he can go in for an appeal. But of course, the appeal would go to the High Court and not just directly to the Supreme Court. So that is the indication being given by the Supreme Court that your right can be protected, but please follow the course of law. So that is the reason why they allow the petitioner to withdraw this petition, who has now decided to approach the lower judiciary in the form of a civil suit. Right, Jaskirat Singh Bawa, thank you for bringing us that update. की कोशिश करता है तो सबसे पहले आप संबंधित पुलिस स्टेशन में फौरन जाइए, ये आपका अधिकार है और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, हमको ये भी निर्देश दिया है कि अगर पूज्य शंकराचार्य जी या और कोई भी व्यक्ति अगर साईं बाबा के बारे में कुछ भी अपमानास्पद बात कहते हैं तो उनके खिलाफ सबसे पहले आप सिविल सूट फाइल कीजिए, और अगर उसके बाद भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो प्रॉपर चैनल आप यहां तक आइए, लेकिन सबसे पहले आप वहां जाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने हमारी बात से ये सहमति बताई है कि हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को किसी की भी पूजा करने का अधिकार है, उसमें दखल देने का अधिकार शंकराचार्य जी को या और किसी को नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन में कहा है। और जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका आई थी और हमने ये तय किया के सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से अभी हम हिंदुस्तान में उन सभी जगह पे जाएंगे जहां साईं बाबा की मूर्ति को हटाया गया, और हम सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे और हवाला देके हम उन तमाम लोगों के खिलाफ शिकायत करेंगे जिन्होंने अपराध किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और हमसे हमारी याचिका हमने वापस ली है इस ग्राउंड के ऊपर, अभी हम वहां जाएंगे जहां हमें जाना है।